अच्छा इंस्टाग्राम पे वो लोग फेमस है जिनकी लात नहीं है। आप भाई साहब बड़े बड़े ले रहे हो, आपको ईमानदारी से बता दो तो आप बदनाम कर देते हो। अब नहीं बताऊंगा आज के बाद कोई ईमानदारी नहीं। वेलकम बैक माय यूडो फैमिली। तो कैसे है सारे के सारे भाई लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी गेमिंग का शेड्यूल मेरा टोटली चल रहा है, तो आप लोगों के हमेशा क्वेश्चन ये रहते हैं जनरली इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स में रहते हैं कि सर बैक का वर्कआउट बता दो, चेस्ट का वर्कआउट बता दो, या बाइसेप्स का वर्कआउट बता दो, ट्राइसेप्स का वर्कआउट बता दो। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें गेमिंग चल रही है, 3 दिन का मेरा टोटल शेड्यूल है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। 3 दिन में आपका चेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है मेरा वर्कआउट। तो किस तरीके से चेस्ट के साथ शोल्डर, फिर उसके बाद बैक के साथ बाइसेप्स, एक दिन जो है आपका लेग का कंप्लीट वर्कआउट आपका क्वाड मसल का है, एक दिन हैमस्ट्रिंग का है, सेम बैक में भी है, एक दिन अपर बैक की है, एक दिन लोअर बैक की है। तो आज हम करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज बैक की, जो सैटरडे को होगी वो वेडनेसडे को नहीं होगी, या फिर जो ट्यूसडे को होगी वो सेम रिपीट नहीं होगी आप फ्राइडे को, वो अलग एक्सरसाइज होगी। तो आज क्या एक्सरसाइज करेंगे, डेड लिफ्ट वैसे लास्ट में है लेकिन सर से बात करेंगे अभी डेड लिफ्ट कैसे मारना है। 5 एक्सरसाइज हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करनी है, साथ में बाइसेप्स भी है, उसका भी वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट बाइसेप्स का वर्कआउट। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना इसको भाई। तो चलो सर से पूछ लेते हैं, डेडलिफ्ट सर लास्ट में लिखी हुई है, तो डेडलिफ्ट लास्ट में मारूँ मैं पहले मार लूँ? लास्ट में ना, जैसे हम अभी PR चेक कर रहे हैं महीने का एक बार, तो हाँ तो वो लास्ट पे भी इफेक्ट करेगा वैसे तो ना, क्या अगर जैसे लास्ट में डेडली मारता हूँ तो वैसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हमने हैवी करना, जैसे बैंड ओवर है, टी बार बैंड ओवर लेट पुल डाउन, टी बार वी ग्रिप, फिर लास्ट में डेड लिफ्ट है। तो डेड लिफ्ट लास्ट में करूँ ना? ठीक, किसी भी एक्सरसाइज को आप अगर परफॉर्म कर रहे हो मसल को पूरा फील करके करो। दूसरा, पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, पूरा मसल को फील करना है। जैसे मैं पूरा नीचे तक जा रहा हूँ, मसल को खोल रहा हूँ, फिर ऊपर आके होल्ड कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज अगर इस तरीके से करते हो आप, बैक आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जैसे मेरी खुद की चेंज हुई है। पहले मेरी बैक कितनी बेकार थी, अभी मेरी बैक में कितनी चेंजेस आए। रीज़न उसका यही है कि एक्सरसाइज का तरीका चेंज कर दिया मैंने और कुछ नहीं है। देखो सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है आदमी को नहीं मेरे को, जब सर तारीफ करते हैं कि अच्छा हो गया है। अभी सर को बैक दिखाई मैंने, ये पोजिंग वाली, सर को पूछा सर क्या है चेंजेस आए, सर ने कहा बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है पहले से ही। ये जो थिकनेस है, ये जो तेरी ऑफ सीजन में दिखाई दे रही है, ऐसी तेरी सीजन में दिखाई देती थी, यानी कि सेडेट करने के बाद। अभी ऑफ सीजन में इतनी अच्छी थिकनेस दिखाई दे रही है तो सीजन में और अच्छी कट हो के आएगी। हो रही थी कुछ खाने के लिए था नहीं, मैं कहूँ उल्टी सुलटी नहीं, वो मेरे बैग सर वो सब पड़ा रहता है बैग में पड़ा रहता है, वो गरीब बच्चे आ जाते हैं कंपनी को बोल पैसे दे। 2 पैकेट हमेशा बैग में पड़े, उसमें पड़े रहते हैं गाड़ी में, वो गरीब बच्चे आ जाते हैं उनको देने के लिए रहता है सर, वो पैसे मांगते हैं। नहीं मैं लपेटता नहीं, वो हमेशा गाड़ी में पड़े रहते हैं। मैं नहीं, वो भूख लगी तो तब मैंने खाया उसे थोड़ा सा। नहीं सर ईमानदारी की कुछ चीज़ ही नहीं रही आपको ईमानदारी से बता दो तो आप बदनाम कर देते हो सर। अब नहीं बताऊंगा आज के बाद कोई ईमानदारी नहीं, बेईमानी से काम होगा। सर आप तो मेरी बॉडी दिखा रही है, अगर चोरी करूंगा मेरी बॉडी पकड़ लोगे आप? सर आप यहीं पकड़ लोगे पहले ही, पिछली बार जब खाया था पिछले साल कोलकाता में दबा के खाया था तो वो दिख रहा था सब बॉडी पे, कोलकाता में संदेश खा के आया तो पूरा बफे लपेट गया था मैं।
तभी तो पीछे से फर्स्ट आया था क्लासिक में, इस बार मेहनत करी तो टॉप फोर में आ गया। My legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something. अब ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होती होगी, जैसे मैं वेट ले रहा हूँ पूरा, ये पूरा वेट 100 kg है पूरा। अब इसमें क्या होता है, जब हम वेट लिफ्ट करते हैं, वेट पुल करते हैं नीचे की तरफ, तो हमारा हाथ बढ़ जाता है, ये फोरआर्म्स बाइसेप्स ही बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसे ये यूज़ किया करो, दूसरा अंगूठे को ऐसे पकड़ने के बजाय ऐसे रखो इसको, तो इससे क्या होगा हाथ नहीं बढ़ेगा, ऐसे ना करने की वजह ऐसे करो। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़, एल्बो ऐसे नहीं जाना चाहिए, एल्बो आपके आगे की तरफ रहनी चाहिए ऐसे। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब देखो मेरे को एक बार। और पोस्चर ख़राब नहीं होना चाहिए, कितना भी वेट होता है पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, बॉडी शेक नहीं करनी चाहिए। इसको आपने पीछे ले जाना, देखो पीछे ले जाना है यहाँ। I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Don't block, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm about to fucking lost it. Making back, better back, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a back, don't react, no react. Think I'm black off his ass, all I'm rap, that's a step. Throw a jab, give a crap, we're relaying some of the myth. Got a plan better than both brands, goddamn. I'm a rhyme till I die, never lie, that's a lie. I don't try, I defy, yes and I, that I'm right, yeah. Working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly everyone's invaded. Privacy is... जितना हम टोटल सेट में मारते होते तो सर आप वार्म अप में ले ले हो। ये वार्म अप तो चल रहा है आपका भी? अच्छा वर्किंग स्टार्ट हो गया 120 से 100 के तो आपने 5 लगाए शायद। अच्छा तो अभी ये 120 हो गया। अच्छा 8, तो एक मैं मार लेता हूँ पहले, या बढ़ाऊँ बढ़ाऊँ उसको? हाँ वो मैं स्ट्रिप लेग की तरफ लगा रहा हूँ, जैसे स्ट्रिप लेग मारते ना वैसे लगा रहा हूँ। अच्छा हाँ 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 ठीक है, तो ज़्यादा वेट जाएगा ये, समझ गया। और डेड लिफ्ट उसकी स्ट्रिप लेग की तरह बेसिकली, ओके चलो मैं करके देखता हूँ एक बार, आप देखना मेरे को बताना। I really hate it, I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one that hurts, I swear to God, baby. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gone, yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Fake it till I make it, motherfucker. सबसे पहले डोला देखता है, इसमें इतनी मेहनत कर लो कोई नहीं देखता ही नहीं है इसको। हाँ निकर पहन लो तो काफ जरूर देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे वो लोग फेमस है जिनकी लात नहीं है। आप भाई साहब बड़े बड़े ले रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, भाई साहब से काम करता हूँ अब।
ये मैं मारता ही नहीं भाई साहब, मारता ही नहीं मैं भाई साहब get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10s, I'm so stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. आज हमारा था बैक का और बाइसेप्स का वर्कआउट, साथ में हमने किया था फोरआर्म्स का वर्कआउट। तो एक कंप्लीट वीडियो है, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से आपने देखा होगा शुरू से लेकर आखिरी तक, नहीं देखा तो फिर से एक बार देख लो। उसमें जो मूवमेंट होती है, पोस्चर, मसल्स को पकड़ के जिस तरीके से हम वर्कआउट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप वर्कआउट करते हो किसी भी मसल्स का, तो डेफिनेटली मसल्स चेंज होने में दिनों में चेंज होंगे। मसल्स डे बाई डे आपका चेंज होता रहेगा। अभी देखो बाइसेप्स पूरा भरा पड़ा है, हाथ भरा पड़ा है, बैक पूरी जो है बहुत ज़्यादा स्टिप हो रही है। रीज़न ये है कि अच्छी तरीके से वर्कआउट किया, एक तो हैवी वेट लेना है, ऊपर से जो है उसका पोस्चर करेक्ट करना है। ऐसा नहीं है आपने बहुत मैक्सिमम वेट ले लिया कि आपका पोस्चर ही नहीं बन पा रहा है। तब तक पोस्चर नहीं बनता है तब तक आपको जो है उस वेट पर लेना है कि जहाँ पर आप सही मार सको। तो इस तरीके से करिए। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहेंगे इसमें, वीडियो अगर आप देखते रहोगे तो मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट कर दो, तो जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल। चल भाई।